नमस्कार, मैं हूँ उमाश्री। आज एक बेहद खास जानकारी लेकर आई हूँ। बहुत से लोग एक ही थाली में भोजन करते हैं और उन्होंने पूछा है कि क्या एक थाली में भोजन करना उचित है कि नहीं। देखिए, एक थाली में भोजन करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन आज के इस बदलते परिवेश में एक थाली में भोजन करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि एक सदस्य ने खाना खाया और उसी थाली को बिना धोए ही दूसरा सदस्य प्रेमवश उसी थाली में खा लेता है, तो ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य की नेगेटिविटी है वो दूसरे पर चढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये उत्तम नहीं है। एक को खांसी हो रही है फिर उसी थाली में किसी ने खा लिया, तो आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए, आप बुद्धिमान हैं तो वो कैसे उस पर असर नहीं करेगा, उसका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कई लोग होते हैं प्रेत बाधा और नेगेटिव एनर्जी के शिकार होते हैं, उनके साथ बैठकर तो भूल कर भी एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। उनकी बला आपके सिर पर आ सकती है, ये 100% बात है और प्रैक्टिकली हमने ऐसा बहुत देखा है। कई लोग ज़बरदस्ती अपनी थाली में बिठाकर भोजन कराना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे कई बार ये भी होता है कि तंत्र मंत्र का अंदेशा कुछ लोगों को होता है और इसी वजह से वो एक ही थाली में भोजन करते हैं। इसके अलावा भोजन जो चीज़ वो खा रहे हैं वो दूसरा भी वही चीज़ खा ले, जिससे कि उनको निश्चिंता हो जाए कि भाई उसकी उनके खाने में किसी ने कुछ मिलाया नहीं है, तो इस वजह से भी ये काम करते हैं कुछ लोग। लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगी कि इससे बचने के लिए या तो जहाँ विश्वास है वहाँ खाएं, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ ना खाएं, और अपने घर पर ही बना हुआ खाएं। लेकिन घर पर भी जो चीज़ बनी हुई खाते हैं उसको एक थाली में जहाँ तक वो नहीं खाना चाहिए आज के संदर्भ में, और एक ही थाली में खाने से एक सदस्य का स्वभाव खराब है, दूसरे का अच्छा है, तो सबका एक दूसरे पर बराबर से प्रभाव पड़ सकता है। ये बिल्कुल गारंटेड बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी के अंदर नेगेटिविटी है, बार बार उसी व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है एक ही थाली में खाना खाने से। तो अलग अलग ही खाना खाना चाहिए। एक थाली में भोजन करना भले ही एक परंपरा रही हो, लेकिन आज के संदर्भ में परंपराओं को बदलना भी ज़रूरी है। ये आज के समय की डिमांड है, ये कोरोना काल की डिमांड है कि आप अपनी अपनी व्यवस्था अलग अलग तरह से करें, हाथ सैनिटाइज़ करें, पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखें, और आपके जो बर्तन हैं वो बर्तन अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सदस्य बहुत नेगेटिव है आप उसके बर्तन एक बार को तो अलग करें, और उसके बर्तन में भी आप एक चुटकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर डालें जो नेगेटिविटी को दूर करने की है। आप चाहें तो थोड़ी सी राई डाल दें, बर्तन धोने के बाद में राई डाल दें, 5 मिनट राई उसमें पड़ी रहने दें और उसके बाद उस सदस्य को खाने दें। आप एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, सादा नमक, और उस फिर बर्तन को दोबारा से वॉश करके उस सदस्य को खाने को देवें, तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन किसी भी सदस्य की झूठी थाली में घर के ही सदस्य को कभी भी भोजन ना कराएं। थाली हमेशा धुली हुई और साफ़ होनी चाहिए, बर्तन हमेशा साफ़ होने चाहिए। एक गिलास से पानी पीकर रख देते हैं, उसी गिलास में दूसरा भी सदस्य पानी पी लेता है, ये भी काफ़ी गलत है। और इस परंपरा को जिस घर में पालन किया जाता है वहाँ प्रेम स्नेह सौहार्द हो सकता है इस दृष्टि से बढ़ जाए, लेकिन वहाँ पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। वहाँ जितनी आवश्यकता होती है उतना पैसा नहीं आता है, हमेशा पैसे की मारामारी उस घर में रहती है।